हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्क्वाड इन्फोटेक। मैं एक सिलेनियम एक्सपर्ट हूँ और मैंने कई बार नोटिस किया है कैंडिडेट्स को बहुत सारी दिक्कतें आती हैं सिलेनियम प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते समय। तो आज हम देखेंगे कि इन दिक्कतों को कैसे कम किया जा सकता है यूजिंग अ स्मॉल सिलेनियम प्रोजेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट अ प्रोजेक्ट। सो एजेंडा ऑफ द प्रोजेक्ट, सो आप जैसे कि देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर टोटल 15 पॉइंट्स हैं, लेकिन इस वीडियो में हम टोटल 5 पॉइंट्स ही कवर करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी है आपके प्रोजेक्ट के लिए। तो पहला पॉइंट जो है, हम मैवन प्रोजेक्ट बनाएंगे और उसके अंदर डिपेंडेंसीज ऐड करते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है हम रियूजेबल क्लास बनाएंगे एक्सेल फाइल से रीड करने के लिए। अगर आपको जब भी फाइल रीड करना है तो आपको दोबारा कोड नहीं लिखना है, आप एक सेट ऑफ क्लास बना के रखा हुआ जिसके अंदर से आपने रियूजेबल फंक्शन बनाया उसे आप कॉल कर सकते हैं, तो वो हम बनाना सीखेंगे। बेस क्लास भी बनाएंगे जिसकी मदद से जब आपका स्क्रिप्ट रन स्टार्ट होता है तो एट दैट मोमेंट कुछ स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली रन होना चाहिए। जो मतलब बेसिकली देखा जाए तो इट विल टेक केयर ऑफ योर बेसिक कॉन्फिगरेशन, ब्राउजर स्टार्टअप एंड कोड डुप्लीकेशन अवॉइड करने के लिए वी कैन ऐड सम काइंड ऑफ स्क्रिप्ट, जैसे कि स्क्रीनशॉट लेने का स्क्रिप्ट, ये ऑटोमेटिकली इनिशलाइज हो जाता है जब भी आप इसे स्क्रिप्ट रन करेंगे, तो बेस क्लास ऑटोमेटिकली रन होता है। नेक्स्ट हम बैंकिंग डोमेन के ऊपर, बैंकिंग प्रोजेक्ट के ऊपर एक स्क्रिप्ट लिखेंगे और उसके बाद डेटा ड्रिवन टेस्टिंग करेंगे यूजिंग डेटा प्रोवाइडर एंड एक्सेल क्लास रीडर। सो लेट्स सी द प्रोजेक्ट यूजिंग दिस 5 पॉइंट्स। तो हम एक मैवन प्रोजेक्ट बनाएंगे और उसके अंदर डिपेंडेंसी भी ऐड करेंगे। सो उसके लिए आपका प्रोजेक्ट जो होना चाहिए जावा डबल ई प्रोजेक्ट होना चाहिए। तो अगर मैं कर्सर मूव करता हूँ जहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपका जावा डबल ई मोड होना चाहिए। इफ़ आई मूव द कर्सर ओवर हियर तो जावा डबल ई, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद आप फाइल में जाइए, न्यू मैवन प्रोजेक्ट करना है हमें, तो फाइल न्यू मैवन प्रोजेक्ट, ठीक है, मैवन प्रोजेक्ट लोड हो रहा है, ओके। यहाँ पे चेक करना है क्रिएट सिंपल प्रोजेक्ट, आपको क्लिक करना है, ठीक है, और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सो ग्रुप आई डी इज़ योर पैकेज नेम, सो इन डॉट स्क्वाड इन्फोटेक। और आर्टिफैक्ट आईडी आपका प्रोजेक्ट नेम होता है, तो हम इसका नाम देखेंगे, वो देंगे फ्रेमवर्क। सो फ्रेमवर्क, ठीक है, फ्रेमवर्क ओके। उसके बाद फ्रेमवर्क प्रोजेक्ट, क्लिक ऑन फिनिश। फिनिश करने के बाद थोड़ा सा ये प्रोसेसिंग टाइम लेगा, जैसे कि नीचे आप देख पा रहे हैं 0%, 75%, 99%, 100% जाने के बाद आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा, ओके। सो आपका मैवन प्रोजेक्ट बन चुका है, ओके। अब इस पर मैं जैसे एक्सपैंड करता हूँ मैं, तो आपको टोटल 4 सेक्शंस दिखेंगे, SRC मेन जावा, SRC मेन रिसोर्सेज, SRC टेस्ट जावा, SRC टेस्ट रिसोर्सेज। तो 4 सेक्शन मिलेंगे, इसमें से ये जो टेस्ट जावा एंड टेस्ट रिसोर्सेज है ये टेस्टर्स के लिए होते हैं, और ऊपर की जो दो है SRC मेन जावा, SRC मेन रिसोर्सेज, ये डेवलपर्स के लिए होते हैं। तो हम किसके ऊपर काम करने वाले हैं, टेस्ट जावा टेस्ट रिसोर्सेज के ऊपर, ठीक है। अब pom.xml पे जाते हैं डिपेंडेंसी ऐड करने के लिए, सो इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं, तो ये आपका लोड हो जाएगा, ठीक है। सिलेनियम पे काम करने के लिए आपको बहुत सारे डिपेंडेंसीज की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि सिलेनियम का डिपेंडेंसी ऐड करना है, और एक्सेल फाइल के साथ काम करने के लिए आपको पॉय का डिपेंडेंसी ऐड करना है, प्लस आपको टेस्ट एनजी के डिपेंडेंसीज भी ऐड करने हैं। और डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट के ऊपर कि आप कोई और एक्स्ट्रा जार ऐड करना चाहते हो तो वो भी डिपेंडेंसी ऐड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिपेंडेंसी ऐड करना। सो डिपेंडेंसी कैन बी एडेड इन डिपेंडेंसीज टैग, सो डिपेंडेंसीज, ओके, स्टार्टिंग टैग एंड डिपेंडेंसीज एंडिंग टैग एंड टैग, इसे डिलीट करते हैं। सो इसके अंदर हमें सारी डिपेंडेंसीज ऐड करना है इन बिटवीन दिस। सो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सारी डिपेंडेंसी एक नोटपैड प्लस प्लस फाइल के अंदर करके रखा हुआ है। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसे मैं क्या कर रहा हूँ, इसे कॉपी करने वाला हूँ, कॉपी करके इसे पेस्ट करूँगा। सो हम सब सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद इसे हमें कॉपी करके पेस्ट करना है यहाँ पर। सो मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, पेस्ट। सो हम इसे एक एक करके समझते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा इनलार्ज कर लेते हैं डबल क्लिक करके, ओके। सो ये पूरा का पूरा आपका pom.xml फाइल है, ठीक है। सो डिपेंडेंसी में जाते हैं,
सो पहला डिपेंडेंसी हमारा जो है सेलिनियम का 3.141, ठीक है। दूसरा हमारा जो है 3.17 पॉय का है, और बाकी जो दो डिपेंडेंसी हो पॉय के लिए ही है, रीडिंग फ्रॉम एक्सेल फाइल। सो सपोर्टिंग जार्स हैं, सपोर्टिंग डिपेंडेंसी है पॉय के लिए, ठीक है। ये दूसरा भी है, ठीक। टोटल तीन लगेंगे आपको एक्सेल फाइल से रीड करने के लिए, टोटल तीन लगेंगे, ठीक है। सो आखिरी डिपेंडेंसी जो है आपका टेस्ट एनजी का है। सो ये जो है टेस्ट एनजी का डिपेंडेंसी हमने ऐड किया हुआ, ठीक है। सो डिपेंडेंसी ऐड करने के बाद इसे सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपका जो प्रोजेक्ट है इसे डाउनलोड करेगा, डाउनलोड करके आपके इसमें अटैच करेगा। सो प्लगइन करके भी हमारा एक टैग है इसके अंदर। सो प्लगइन जो मैवन श्योर फाइल हमने यूज़ किया है, जो कि टेस्ट एनजी डॉट एक्सएमएल फाइल को 100% रन करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो एक प्लगइन भी हमने ऐड किया हुआ है, ठीक है। सो नाउ प्रोजेक्ट इज़ रेडी, ठीक है। तो कंफर्म करने के लिए आपका मेवन डिपेंडेंसी ऐड हुआ है कि नहीं, मेवन करके लाइब्रेरी ऐड होगा, मेवन लाइब्रेरी डिपेंडेंसीज करके, इसके अंदर सारे जार्स आपके अटैच हो चुके हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। सो नाउ योर प्रोजेक्ट इज़ कम्प्लीटली रेडी विद द मेवन डिपेंडेंसी, ठीक है। सो वील सी यू नेक्स्ट लेक्चर।